दो जवानों पर कल धारदार हथियार से हमला हुआ है संदिग्ध व्यक्ति के द्वारा। एक की SLR को छीनने की कोशिश की गई है। इस संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से लैपटॉप, पैन कार्ड और मुंबई की फ्लाइट का टिकट बरामद किया गया है और जांच एजेंसियां अब इस आरोपी से कई पहलुओं पर पूछताछ कर रही हैं। PSC के दो जवानों पर संदिग्ध व्यक्ति ने कल हमला किया था, उसका वीडियो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। ये बड़ी घटना और अब हम गोरखपुर चलते हैं सीधा। नीरज श्रीवास्तव हमारे सहयोगी इस वक्त वहां से सीधा कनेक्ट है और उनसे जानते हैं कि कल क्या हुआ और अभी तक जो पूछताछ हुई है नीरज, उसमें क्या बातें निकल कर आई हैं इस संदिग्ध के बारे में, इस आरोपी के बारे में जिसने कल PSC के दो जवानों पर हमला किया, क्या वजह निकल कर सामने आ रही है, क्या बातें सामने आ रही है? देखिए राजेंद्र जी, जो सबसे पहले बात आई वो घटनाक्रम ही इतना चौंकाने वाला था क्योंकि मुख्यमंत्री का लगातार दौरा होता रहता है गोरखनाथ मंदिर में। रविवार की शाम 7 बजा हुआ था और ये संदिग्ध घुसता है और उसके बाद PSC के जवानों पर हमला कर देता है और आप हैरान हो जाएंगे कि उसके पास से लैपटॉप बरामद हुआ है और इसके साथ ही मोबाइल और हवाई टिकट बरामद हुआ है मुंबई का। तो ये संदिग्ध ही मान के चल रही है पुलिस और पुलिस ने अभी हमारे जो ADG अखिल कुमार हैं उनसे जो बात हुई वो उन्होंने इससे इनकार भी नहीं किया है कि जो टेरर एंगल है उस पर भी इस पर जाँच की जाएगी और इसमें ATS को और जो पुलिस के आला अधिकारी हैं टीम बना दी गई है और लगातार पूछताछ हो रही है। रात में ही उसके पिता को पुलिस ने उठाया और उससे उनसे भी पूछताछ चल रही है और इसकी जो बैकग्राउंड है उसके बारे में भी पुलिस एकदम बारीकी से जांच पड़ताल कर रही है। चूँकि 2015 में इसने IIT मुंबई से इसने स्नातक किया हुआ है और स्नातक करने के बाद से ये नौकरी कर रहा था और शादी भी हो चुकी थी और जैसा कि जो बात सामने आई कि पत्नी से कुछ मन मुटाव के बाद पत्नी भी घर चली गई थी, लेकिन जिस हिसाब से इसने धार्मिक नारे लगाए हैं उस नारों को देखते हुए ये अंदेशा जताया जा रहा है कहीं कोई आतंकी कनेक्शन तो इसका नहीं है। चूँकि मुख्यमंत्री का आवास भी है गोरखनाथ मंदिर में, ऐसे में ये पूरी तरह से संदिग्ध है। हालांकि सिरफिरा भी कुछ लोग इसको मान रहे थे लेकिन जिस तरह से हमला किया, खुद भी घायल है और इसका इलाज चल रहा है और लगातार पुलिस नज़र बनाई हुई है। ATS लगातार पूछताछ कर रही है और जो जाँच एजेंसियाँ हैं वो भी लगातार पूछताछ कर रही है। इसके मोबाइल जो है, इसके मोबाइल और लैपटॉप को भी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं, वो खंगाल रही हैं कि कहीं से कोई कनेक्शन तो नहीं है इसका, कहीं कोई ऐसा आतंकी संगठन तो नहीं है जिसके साथ ये मिला हुआ हो और लगातार उनके टच में रहा हो। और इसलिए मामला पूरी तरह से संदिग्ध है और भी बहुत कुछ कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी क्योंकि हर पहलुओं पर ATS और पुलिस जो है वो जाँच कर रही है और ऐसे में अभी कुछ कहना राजेंद्र जी जल्दबाजी होगी और अभी इंतजार करना होगा और जल्द ही इसके बारे में जो ज्यादा जानकारी है वो निकल कर भी उम्मीद है कि सामने आएगी। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कोई बहुत कंक्लूजन निकालना, कोई ठोस निष्कर्ष निकालना तो शायद जल्दबाजी हो सकती है, थोड़ा सा प्रीमेच्योर हो सकता है, लेकिन कुछ बातें अपने आप पे बहुत हैरान करने वाली है। हमला तो है ही हैरान करने वाला नीरज, लेकिन मुंबई IIT से पढ़ा होना, BTech किया होना और उसके अलावा जाहिर सी बात है जो व्यक्ति मुंबई IIT से स्नातक की उपाधि प्राप्त करेगा वो अच्छी नौकरी में भी होगा और उसने अच्छी शिक्षा प्राप्त की है, देश के सबसे बेहतरीन संस्थानों में से एक से शिक्षा प्राप्त की है, उसका ये व्यवहार करना, धारदार हथियार लेकर सुरक्षा कर्मियों पर हमला करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये तथ्य ही अपने आप में बहुत बड़ा हो जाता है और बहुत ज़्यादा चौंकाने वाला हो जाता है। क्या आपको पता चल पाया है कि मूल रूप से ये निवासी कहाँ का है, इसके परिवार में और कौन कौन से लोग हैं, ये शुरुआती जानकारियाँ मिल पाई हैं आपको नीरज? देखिए राजेंद्र जी, अभी फिलहाल पुलिस ने जो बताया है उसके पिता को उठाया गया है पूछताछ के लिए और ज़्यादा अभी परिवार की जानकारी निकल कर सामने नहीं आ पा रही है क्योंकि गोरखपुर के सिविल लाइंस का ही रहने वाला है और पुलिस ने जिस तरह से कवर किया इसको और जिस तरह से पकड़ा गया, आप सीधी तस्वीरें भी देख सकते हैं कि किस तरह से ये आतंक का पर्याय बना गोरखनाथ मंदिर में, जिस परिसर में हमेशा शांति रहती है, शांति के लिए जाना जाता है, हर धर्म के लोग वहाँ पर आते हैं और दर्शन करते हैं, घूमते फिरते भी हैं। एक माह का खिचड़ी मेला भी अभी जनवरी में ही लगा था, फरवरी में ख़त्म हुआ है। तो ऐसे में भीड़ भाड़ वाला इलाका चुना और जिस तरह से धार्मिक इसने जो नारे लगाए हैं उससे एक संदेह इसके ऊपर पैदा हो रहा है जांच एजेंसियों को भी और पुलिस को भी। और ये बहुत हैरत की बात है कि इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा होने के बावजूद नौकरी अच्छी कंपनी में किया, उसके बाद इस तरह की हरकत किया और ठीक है, आपने बहुत ही चौंकाने वाला है ये राजेंद्र जी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सब कुछ बहुत चौंकाने वाला है, बहुत हैरान करने वाला है।